वेलकम स्टूडेंट्स इन द योद्धा बैच ऑफ सी एस ई टी इस योद्धा बैच के सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट जो आपके सी एस ई टी का पेपर वन बनता है इस योद्धा बैच के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स जो आपके आठ चैप्टर्स रिलेटेड होंगे हमने जो भी वीडियोज़ यहाँ पर शूट किए हैं वो सीक्वेंस वाइज है चैप्टर वन से लेकर एट तक बट बिफ़ोर यू स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोज़ चैप्टर फोर एंड सिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए तो वो ज़रूर देखना चैप्टर फोर एंड सिक्स चैप्टर नंबर थ्री जो है वो एक प्रैक्टिस वे में देखना बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हमने चैप्टर थ्री के डिस्कस किए हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हैं वैसे ही पूछे जाए चैप्टर थ्री आपको एक समझाने के लिए डिस्कस किया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इन द एग्ज़ाम सो लेट स्टार्ट वाचिंग द वीडियोज आई होप ये पास्ट पेपर्स जो आप देखोगे एंड किस तरीके से एम सी क्यूज आया है अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आई वुड विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स दॉचिंग दिस वीडियो फॉर योर एग्जाम चलिए स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल द एम सी क्यूज पास्ट पेपर्स के हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में गेट एन कि कैसे क्वेश्चन एंड इट्स देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी ये चैप्टर में बेसिक ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जैसे नाउन प्रोनाउन प्रेपोजिशन एक्सेट्राउंड फिर कुछ पंक्चुएशन के क्वेश्चन आते हैं जैसे हमने नॉर्मल लेक्चर्स में पढ़ा है सो so लेट्स कैसे आते हैं एम सी क्यूज फर्स्ट इंटेलिजेंस डेडिकेशन एंड ट्रेनिंग डैश द यंग एथलीट अस्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर फॉर अदर्स तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करके हमें ऑप्शन चूज करना है सही ऑप्शन मार्क करना है सो द राइट ऑप्शन इज makes. So if you read the sentence, the combination of intelligence, dedication and training makes the young athlete a strong competitor for others. Next question. Despite his dash upbringing, Ronald proved quite adept at navigating urban life. So here is the answer. Hai, despite his rural upbringing, रोनाल्ड प्रूव्ड क्वाइट एट नेविगेटिंग अर्बन लाइफ तो उसका रूरल अपब्रिंगिंग होने के बावजूद भी उसने काफी अच्छा अपने आप को अर्बन लाइफ में एडजस्ट किया नेक्स्ट दिस न्यूली कंस्ट्रक्टेड हॉल होल्ड ट्वाइस द कैपेसिटी ऑफ द ओल्ड हॉल तो ये आर्टिकल्स पर क्वेश्चन आया है

की बात कर रहे हैं मून इज स्पेसिफिक इसीलिए यहां पे द सही ऑप्शन है नेक्स्ट चेंज द द वॉइस ऑफ सेंटेंस गुनगुन सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग अभी यहां पर वॉइस मतलब एक्टिव से पैसिव हमें कन्वर्ट करना है सो so, अगर एक क्विक हम देखें रूल क्या है अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है दैट इज एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है दैट इज ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट पैसिव वॉइस जो है वो पास्ट टेंस में होते हैं एंड वी एड द वर्ड बाय जब हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं सो लेट्स सी इसका आंसर क्या है गुनगुन सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग सो यहाँ पर आंसर होगा अ मेलोडियस सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय गुनगुन सो यहाँ पे वाज पास्ट टेंस हो गया और बाय भी हमने ऐड कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द क्वालिटी ऑफ मैंगोज

सो so, पे आर्टिकल्स से हमें ऑप्शन देखना है शी शीज एंड एडुकेटेड एंडेड पर्सन एड्यूकेटेड ई से शुरू होता है जो कि एक वॉवल है एंड एंडल के आगे हम क्या यूज करते हैं आर्टिकल एन द प्लेन रोड ओवर हेड एंड डाउन अ नोज डाइव बॉब इज अ बिल्डर Dash, he knows a lot about architecture. Bob is a builder, so he knows a lot about architecture. Next, Mina is excited for her new class. I got wet in the rain. Dash, I dash a cold. Dash, do not worry, I will recover. ब्लैंक so, आए है तो इसको ध्यान से okay, को फिर से रीड करके देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में हम यूज कर सकते हैं कोल्ड बट डू नॉट वरी आई विल रिकवर क्विकली डैश मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ

इट इज लाइक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स का जो एग्जाम में आ सकता है नेक्स्ट ही इज डैश डैशेंट मैन ही इज एन मैन विद ए ए इज अ वॉवल और उसके आगे हमने क्या यूज किया है एन नेक्स्ट अ एन इज अ सेट ऑफ प्रपोजल्स और टर्म्स ऑफर्ड और ग्रीड अपॉन एज अ होल यहाँ पे होगा पैकेज डील जैसे अभी हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं सो so हमें एक पैकेज ऑफर किया जाता है दैट व्हाट इज अ पैकेज आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको क्या ऑफर दिया जाता है सैलरी का सो so यहाँ पर एक टर्म हमें यूज करना है ये पूरे सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए सो so यहां पर है ऑप्शन डी पैकेज डील नेक्स्ट डैश टू लंडन बीन टू लंडन शी वॉन्टेड एंड इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन अभी ये क्वेश्चन देव आक्स फ्रॉम प्रीफिक्स एंड सफिक्स तो यहाँ पे प्रीफिक्स का क्वेश्चन है जैसे इंटर हमने एड कर दिया वर्ड के आगे तो ये प्रीफिक्स बन जाएगा द टी इज डैश आंसर इज द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक द डैश चिल्ड्रेन वर डैश एक्साइटेड द डांसिंग चिल्ड्रेन वर एक्सट्रीमली एक्साइटेड ही इज मैरिड

पंक्चुएटेड अभी यहाँ पे पंक्चुएशंस पर क्वेश्चन आया है लेट्स सी इफ़ यू रीड द सेंटेंस सेंटेंस पूरा सेम ही है चारों ऑप्शंस बट पंक्चुएशंस में वो लोग ने कुछ डिफरेंस किया है वी स्टेड इन जैसलमेर राजस्थान इंदौर मध्य प्रदेश सूरपुर कर्नाटका बिफोर गोइंग टू डेली सो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी बिकॉज सब सिटीज और स्टेट्स के आगे हमने क्या यूज किया है कॉमा कंप्लीट द गिवन सेंटेंस आई डोंट हैव अ कार आई विश आई वुड हैव वन चलिए लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर टू दैट इज एनरिचिंग वोकैबुलरी अभी ये भी चैप्टर वन के जैसे ही ग्रामर बेस्ड चैप्टर है जिसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स, होमोनिम्स होमोफोन्स ईडियम्स फॉरेन वर्ड्स जैसे क्वेश्चन आते हैं सो लेट्स सी पास्ट पेपर के क्या क्वेश्चन थे लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग अभी सिमिलर इन मीनिंग मतलब यहाँ पे सिनोनिम्स का क्वेश्चन है डिइन ऑनेस्ट एनचैंड चीट डिसर जेन्यम्बार्क स्टार्ट आंसर इज ऑप्शन डी एम्बार्क स्टार्ट इसका मतलब कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हो अ न्यू बिगिनिंग चूज द ऑप्शन विच डिनोट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड जस्ट ट्राइंग टू ऑर्डर माई थाट्स अभी यहाँ पे ऑर्डर माई थॉट का हमें यहाँ पे मीनिंग ढूंढना है फ्रॉम द गि ऑप्शन

वट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डैनियल्स बार्क इज़ वर्स दैन हिज बाइट डैनियल टेक्स मोर देन ही ईट्स डैनियल इज़ नॉट इन वेरी गुड हेल्थ डैनियल ओन्स अ वेरी फ्यर्स डॉग डैनियल इज़ नॉट एज फ्राइटनिंग एज ही सीम्स आंसर इज ऑप्शन डी कि डैनियल जो डॉग है वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना कि वो दिखता है चूज द करेक्ट ऑपन फॉर द फॉलोइंग एब्रीवियशंस अभी एब्रीवियशंस के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो एब्रीविएशन के क्वेश्चन आपके स्टडी मटीरियल में भी दिया गया है सो प्लीज़ वो एब्रीविएशन करके जाना उसमें से फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं सो यहाँ पर डब्ल्यू टी ओ एब्रीवियशन का फुल फॉर्म ढूंढना है आंसर इज़ ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिविन टर्म प्राइमा फेसी अभी ये जो टर्म दिया है प्राइमा फेसी ये है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ फॉरन वर्ड्स अराउंड सेवेंटी टू एटी फॉरन वर्ड्स दिए गए हैं इन योर चैप्टर नंबर टू प्लीज़ गो थ्रू दो फॉरन वर्ड्स जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश मीनिंग दिया है सो यहाँ पर वहीं से क्वेश्चन पूछा है दैट वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द फॉरन वर्ड प्रायमा फेसी That which is seen at the first view, that which has a young face, that which is most essential, that which comes first. Answer is option A, that which is seen as a first view, the first impression that you have, that is called as prima facie. Identify the word that is wrongly spelt. Abhi aise questions sure aayenge exam mein. 4 options diye jayenge, usme say one of the options ka, जो वर्ड होगा उसका स्पेलिंग सही नहीं होगा हमें ये स्पेलिंग जो दिया गया है उसमें से रॉन्ग स्पेलिंग को क्या करना है आइडेंटिफाई करना है सो so, यहाँ पे एज़ यू सी फोर ऑप्शन आर गिवन यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो गलत स्पेलिंग है बिकॉज अप्रीशिएट वर्ड का जो स्पेलिंग होता है उसमें डबल पी आता है दैट्स द करेक्ट स्पेलिंग और यहाँ पे सिंगल पी दिया है सो ऑप्शन बी इज़ द रोंगली स्पेल्ड वर्ड नेक्स्ट चीफ कुक इन अ रेस्टोरेंट और अ होटेल इज कॉल्ड शेफ नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड्स फ्राम द ऑप्शन अभी यहाँ पे पाँच ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो वर्ड्स का स्पेलिंग गलत है वो हमें चॉइस करना है सो यहाँ पे एग्जिस्टेंस का स्पेलिंग गलत है एंड ईल्ड का स्पेलिंग गलत है एग्जाम में आपको एक ही ऑप्शन होगा जो गलत होगा यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं बट इन द एग्जाम यू विल हैव

प्लीज गो थ्रू दोज ई फॉर द एग्जाम जिसका मीनिंग पूछा जाता है इन द एग्जाम सो यहाँ पे ईडीएम दिया गया है हार्ड नट टू क्रैक इसका मीनिंग ढूंढना है वन हु विल नॉट डू वर्क एट ऑल अ पर्सन हु विन्स एवरी आर्ग्यूमेंट अ पर्सन हु इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ पर्सन हु वर्क्स वेरी हार्ड आंसर इज ऑप्शन ए अ पर्सन हु इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कम्प्लीट द प्रोवर्ब अपर्ड कान्ट चेंज इट्स स्पॉट्स ओके मतलब जैसे बोलते हैं कि जिसका नेचर होता है एनी पर्सनज नेचर ओके हम कितना भी कोशिश करें हम उसको बदल नहीं सकते फुल फॉर्म ऑफ पी एच डी दिस हैज़ बीन गिवेन इन योर टेक्सट बुक आई सी एस आई के स्टडी मटीरियल में भी ये दिया गया है दैट वॉज अ फुल फॉर्म ऑफ पी एच डी आंसर इज डॉक्टर ऑफ फिलोसफी नेक्स्ट चूज द वर्ड्स फ्राम द चॉइस गिवेन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स द प्लेन डैश राइट थ्रू द टावर स्प्रेडिंग टेरर एंड डिवास्टेशन अभी यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे ऑप्शन को यहाँ पर इफ यू सी होमोनिम्स और होमोफोन्स रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी द प्लेन फ्ल्यू राइट थ्रू द टावर स्प्रेडिंग टर एंड डिवास्टेशन नेक्स्ट अगेन एब्रीवियशन पर क्वेश्चन आया है वट इज अ फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को सो यहां पर इफ यू सी द फोर ऑप्शन दैट आर गिवेन सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशनज एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिविन सेंटेंस द ट्रेटर्स आर एंडेवरिंग टू ज्वाइन द बायो वेपन वॉर अभी यहाँ पर एंडेवरिंग का हमें मतलब ढूंढना है द आंसर इज ऑप्शन बी ट्राई हार्ड टू अचीव सम थिंग सो वैन यू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स अगर आपको कुछ अचीव करना है जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो उसे हम कहते हैं एंडेवरिंग

एवरीबडी कैन गिव एडवाइस बट पहले मुझे खुद पंक्चुअल होना पड़ेगा पहले मुझे ख़ुद टाइम पे आना पड़ेगा देन मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ दूसरों से कि वो टाइम पे आए तो जो आप बोलते हो जो आप दूसरों को सलाह देते हो जो आप दूसरों को एडवाइस देते हो पहले खुद उसको वो फॉलो करो शो इट टू अदर्स दैट येस आई एम फॉलोइंग इट सो यू ऑल्सो नीड टू फॉलो दैट सो दैट इज़ the meaning of the proverb example is better than precept same question is given in your textbook also replace the underlined word with a suitable synonym the backfire is something that you experience after the bullet has already been shot abhi par backfire ka hume meaning dhoondna hai advance stay backup recoil Yahape answer is option डी रिकॉल चूज द वर्ड दैट इज़ करेक्टली स्पेल्ट अभी यहाँ पर जो है तीन ऑप्शन गलत है हमें सही ऑप्शन चूज करना है इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें तीन ऑप्शन सही थे हमें गलत चॉइस करना था यहाँ पे ऑपोजिट है वी हैव टू चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड आंसर इज ऑप्शन डी ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई सेम एग्जैक्ट वर्ड

हु बिलीव दैट आईज आर द विंडोज ऑफ द डैश तो यहाँ पे दो जगह फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है फ्रॉम द ऑप्शन सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए यू आर नॉट दोल इंडिविजुअल मतलब आप इकलौते नहीं हो बिलीव दैट आईज आर द विंडोज टू दोल सो ये पहला सोल एंड ये सेकेंड सोल विज़ मीन्स प्रैक्टिकल टेस्ट फेस टू फेस इंटरव्यू ओरल टेस्ट आंसर इज ऑप्शन बी फेस टू फेस चूज द एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड ऑकवर्ड ऑकवर्ड का यहाँ पे हमें ऑपोजिट ढूंढना है आंसर इज ऑप्शन डी ग्रेसफुल चूज द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड अभी यहाँ पर भी तीन ऑप्शन गलत है और एक जो स्पेलिंग है वो सही है सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज सस्पिशियस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मीन्स बैड सिचुएशंज इन लाइफ मेक्स अ पर्सन बेस्ट एंड ऑनेस्ट वी हैव टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रू इन लाइफ इवन एंड बैड सिचुएशन Be honest to get good rewards. Only the best person can be honest. Answer is option B. We have to be honest and true in life, even in bad situation. So whatever happens, okay, sachai hame follow karni We need to be honest. Per se means per head. For instance, by or in itself. For example, answer is option C, by or in. Itself Exactly the same question is given in your book related to foreign words. All the efforts of the doctors proved dash as they were unable to remove the clot from the dash. homonyms, homophones related question, all the efforts of the doctors proved vain as they were unable to. रिमूव द क्लॉट फ्राम द वेन्स सो दैट इज ऑप्शन डी मतलब जो भी मेहनत जो भी एफर्ट्स डॉक्टर ने किया उसका कुछ मतलब नहीं हुआ बिकॉज द डॉक्टर्स वो आर नॉट एबल टू रिमूव द क्लॉट्स फ्राम द वेन् कंट्री ऑफ वैटिकन सिटी इज रूल्ड बाय द पोप दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज थियोक्रिससी नेक्स्ट Choose the most appropriate meaning of the underlined word. Those lines that I have written to you before are a lie. Here, are a lie ka hame meaning dhun hai? Answer is option D false statement. Choose the correct meaning of the underlined idiom trees were heavy with the fruits. So, yahape were heavy with the fruits. The right option is option C, full. Choose the correct meaning of the underlined idiom. We went to the station to wave her off. So yape wave her off ka meaning hai. to welcome, to accompany, to give a gift, to say goodbye. There was a sign posted in the public library which said please refrain from speaking. सो so, यहाँ पर हमें रिफ्रेन का मीनिंग ढूंढना है आंसर इज ऑप्शन सी एप्सटेन रिफ्रेन बोलो एप्स्टेन बोलो मतलब होता है स्टॉप एग्जैक्टली द सेम वर्ड आपके बुक में भी दिया गया है आई रिफ्यूज टू डैश दे आर एडवाइस तो यहाँ पे आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दे आर एडवाइस अभी यहाँ पर ये एडवाइस क्यों लिया है Because advice with the spelling A D V I C E is a noun, or the one with S E is a verb. So, as per the sentence, pe option B is the Next, which of the following conveys the meaning of the emboldened idiom? All that he said boiled down to the fact that he is not. कीन अबाउट हेल्पिंग अस यहाँ पे बॉइल्ड डाउन टू का हमें ईडियम का मीनिंग ढूँढना है निगलैक्टेड अमाउंटेड टू निगेट आर्ग्यूड अबाउट आंसर इज अमाउंटेड टू एक्जैक्टली द सेम ई डीएम दिया गया है इन योर बुक नेक्स्ट एम बी बी एस स्टैंड फॉर यहाँ पर भी ये एब्रीविएशन का क्वेश्चन है आंसर इज ऑप्शन डी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी foreign word that correctly describes the practice of providing something in return for what is received so per something in return for what is received so the answer is option d quid pro quo exactly a word in the book is given same to same question puchha gaya hai. give one word for a fragrant liquid यूज टू गिव अ प्लेजेंट स्मेल टू वंस बॉडी आंसर इज सेंट जैसे परफ्यूम बोलते हैं ओके सो दैट इज सेंट कम्प्लीट द प्रोवर्ब ब्लड इज थकर दैन वॉटर सो बोलते हैं ना जैसे रिश्तेदारों के साथ फैमिली के साथ अपना बॉन्ड हमेशा स्ट्रोंग रहेगा एज कंपेयर टू स्ट्रेंजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनिम ऑफ जेनेरिस जेनरस का मतलब होता है दिलदार सम वन हुनरस ओके एकदम दिलदार इंसान है यहाँ पे ऑप्शन सी इज द एंटोनिम माइजरली माइजरली का मतलब होता है लाइक जो कंजूस है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस टू कंप्लीट द सेंटेंस द एक्टिविटीज शी हैज ऑन हर डैश आर आउट ऑफ हर रिकॉर्ड यहाँ पर भी दो जगह हमें फिलअर ब्लैंक्स करना है द एक्टिविटीज शी हैज़ ऑन हर डैश आर आउट ऑफ हर डैश सो यहाँ पे द एक्टिविटीज शी हैज़ ऑन हर आइटनरी आर आउट ऑफ हर अकॉर्ड सो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए री मतलब जो आपका लाइक टू डू लिस्ट होता है आपको क्या करना है वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग यू हैव अ सेट आइटनरी वट एवर यू वॉन्ट टू सी आर आउट ऑफ हर अकॉर्ड इसका मतलब उसके कैपेसिटी के बाहर है इतना सब हम नहीं देख पाएंगे वी ऑल डैश हिम टू बी गुड एट नंबर्स बट लिटिल डिड वी डैश ही ऑल्सो एक्सेल्ड इन इंग्लिश सो यहाँ पर भी दो जगह फिलन द ब्लैंक्स है वी ऑल डैश हिम टू बी गुड एट नंबर्स बट लिटल डिड वी डैश ही ऑल्सो एक्सेल्ड इन इंग्लिश आंसर इज ऑप्शन बी नो नो अगेन ये भी होमोफोन्स होमोनिम्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है वी ऑल नो हिम टू बी गुड एट नंबर्स बट लिटल डिड वी नो ही ऑल्सो एक्सेल्ड इन इंग्लिश डैश इज हैविंग जॉब फ्रॉम विच वन इज़ अनलाइकली टू बी डिसमिस्ड जॉब सिक्योरिटी तो अगर आपको लगता है कि आपका जॉब सिक्योर है तो आपको ऐसे डर नहीं लगेगा यू विल नॉट बी स्केयर दैट आपको निकाला जाएगा बिकॉज यू नो दैट योर जॉब इज सिक्योर्ड वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम सी ए आंसर इज ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स अभी ये जो क्वेश्चन है ना ये चैप्टर एट का भी बन सकता है बिकॉज इन चैप्टर नंबर एट ऑल्सो जो डेफिनेशंस का चैप्टर है उसमें भी ये क्वेश्चन है और एब्रीविएशन्स में भी आ सकता है सो डिपेंड्स इट कैन कम इन चैप्टर टू और रिलेटेड टू चैप्टर एट कंप्लीट द सेंटेंस द रिसर्चर

ओके okay, ये भी अगेन उसका ऑपोजिट हमें ढूंढना है दैट इज आंसर इज अलकाटे अलकाटे का मतलब होता है जब मेन्यू में से आप कुछ आ, पढ़ के रीड करके आप ऑर्डर करते हो उसे हम कहते हैं अलकाटे एब्रीविएशन ऑफ ई जी मीन्स फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्लेस द सेंटेंस विथ अ सिंगल वर्ड

सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सॉल्वड की जो भी इश्यू था बहुत ही कम समय में रिजोल्व कर दिया द ईडियम योर गैस इज एज गुड एज माइन मीन्स आई डोंट नो आई नो अ लॉट आई नो अ लिटल आई नो मोर देन यू आंसर इज ऑप्शन ए आई डोंट नो मुझे भी नहीं पता है वॉट इज गोइंग ऑन यू ऑल्सो डोंट नो वॉट इज गोइंग ऑन सो दैट इज योर गैस इज एज गुड एज माइन मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं पता है आई ऑल्सो डोंट नो एनी थिंग चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम आई गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड दैट इज एडवाइज तो अगर कुछ प्रॉब्लम है अगर कोई आपको कुछ प्रॉब्लम लेकर आपके पास आता है और आप उसको कुछ एडवाइस देते हो कुछ सलाह देते हो कुछ सजेशन देते हो तो उसे कहते हैं आई गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड what does ps stand for answer is option b postscriptum everything is given in your book exactly the same word with respect to abbreviation choose the phrase below that best describes the meaning from the beginning answer is option a ab initio a b foreign words k टॉपिक में से पूछा गया है अब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग अ पर्सन हु डिसाइड्स व्हाट विल बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर इज कॉल्ड एन एडिटर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ सिनोनिम ऑफ ओबीस यहाँ पे हमें मीनिंग ढूंढना है आंसर इज ओवरवेट बीबीसी स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अगेन abbreviations per question Aya hai a restriction on the movement of people and goods which is intended to prevent the spread of diseases or pest answer is option a quarantine okay just a covid ke time government ne quarantine rules the just so that people don't move out of the house and spread the infection at a time the employees were worried about their jobs the chairman's message

The answer is option A. At a time the employees were worried about losing their jobs, the chairman's message of retaining all the employees came as a welcome announcement. I will make it happen, said Gloria, but you can't. The Dash won't allow it. So Yahaparbi actually, though fill in the blanks, hai. I will. Dash, make it happen, said Gloria, but you can't, the dash won't allow it. So, here I will definitely make it happen, but you can't, the government won't allow it. So, here answer is option B definitely and government. Rachel was not pleased with Mary exposing her secret. As a result she was quite dash with her friend she was quite upset with her friend next things will happen to you good or bad according to how you behave on cloud 9 as you sow so shall you reap the grass is always greener on the other side don't judge a book by its cover answer is option b एज यू सो सो शाल यू रीप जैसे बोलते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी जैसा बिहेव करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा चूज द मीनिंग ऑफ द एम्बोल्डेंट वर्ड दैट इज वॉट टाइम इज द आफ्टरनून ब्रेक सो यहाँ पे ब्रेक का हमें मीनिंग ढूंढना है दैट इज सस्पेंड रेगुलर एक्टिविटी फॉर अ पीरियड तो कुछ समय के लिए जब आप ब्रेक लेते हो आप वो एक्टिविटी को सस्पेंड करते हो काम नहीं करते तो उसको बोलते हैं ब्रेक द हाई डैश नीडेड डैश अगेंस्ट द लीकेज दो जगह पर डैश हमें आइडेंटिफाई करने हैं द हाई सीलिंग नीडेड सीलिंग अगेंस्ट लीकेट सो यहाँ पर भी होमोनिम्स और होमोफोन्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है देवर डैश फॉर ईच अदर से डैश ऑफ ऑनर दे वर मेड फॉर ईच अदर सेड द मेड ऑफ ऑनर आईडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द ईडियम आई विल क्रॉस द ब्रिज वेन आई कम टू इट आई वॉन्ट टू नो दैट द ब्रिज इज स्ट्रॉन्ग बिफोर आई क्रॉस इट I don't want to deal with this issue right now. I want to deal with this issue right now. I want to take the necessary precautions before crossing the bridge. Answer is option B. जैसे बोलते हैं ना like देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा. अभी से सोच के क्या मतलब है. तो जब वो problem आएगा, जब वो issue आएगा, तब सोचेंगे क्या करना है. अभी से हमें कुछ सोचना नहीं है. So that is I will cross the bridge when I come to it.

An animal shelter for stray, monetary currency. Answer is option B, monetary currency. Because when you ice cream ice cream, of course, ice cream 8 pounds. pound. Ka hai. So that is currency. Dash are health professionals who practice in pharmacy. Answer is option A, pharmacists. I thought chocolate brownies are so easy to make, but when I tried to make it, it was a debacle. ओके डिबैकल का मतलब होता है इट वाज अ फेलियर तो ये भी फॉरेन वर्ड्स में से पूछा गया है लिंडा हैज़ ऑलवेज बीन विथ मी थ्रू थिक एंड थिन नो मैटर हाउ डिफिकल्ट नो मैटर हाउ थिक अंडर इजी सर्कमस्टेंसेस अंडर नो सर्कमस्टेंसेस सो यहाँ पे थ्रू थिक एंड थिन का मीनिंग ढूंढना है आंसर इज़ नो मैटर हाउ डिफिकल्ट जो भी सिचुएशन था लिंडा वॉज ऑलवेज देयर विथ मी

किसी को अलग फील कराना इंक्लूडेड मतलब उनको शामिल करना जेम्स लेटेस्ट कार कैन ऑपरेट बोथ ऑन लैंड एंड सी कैन ऑपरेट बोथ ऑन लैंड एंड सी इसका मतलब है दैट इट इज एम बी एस पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड अ ब्रिक क्रैश थ्रू द विंडो सो यहाँ पे क्रैश थ्रू द विंडो का हमें मीनिंग ढूँढना है टू हिट फाइनली टू हिट रिपीटडली टू हिट समथिंग हार्ड टू हिट कम्प्लीटली सो यहाँ पे टू हिट समथिंग हार्ड वी थिंक दैट दिस प्रोजेक्ट विल बी डैश मतलब यहाँ पे ईजी का हमें मीनिंग ढूंढना है एंड एप्पल ऑफ द आई पीस ऑफ केक अ कॉल फ्रॉम द फ्रंट अ हॉट पटेटो आंसर इज ऑप्शन ए अ पीस ऑफ केक जैसे बोलते हैं ना बाई हाथ का नेक्स्ट आई ऑलवेज फाइट विद माई ब्रदर बट नाउ दैट ही इज अवे फ्राम होम आई सोरली मिस हिम एबसेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फाउंडर एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हे स्टोल्स अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन अ बुश आंसर इज ऑप्शन ए जैसे बोलते हैं ना कि सम वन हु इज़ अवे फ्रॉम यू ओके उसको हम जाइक उसकी कदर हम ज़्यादा करते हैं इफ़ यू हैव समथिंग और यू हैव समवन ओके हु इज़ ऑलवेज क्लोज टू यू वी ऑलवेज टेक देम फॉर ग्रांटेड सो जितना लाइक एब्सेंस फील होगा उतना ज्यादा आप सामने वाले को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे देस सेल ऑल काइंड ऑफ बिल्डिंग मटीरियल्स i got my new sim so yahan pe, sim ka hame full form hai. that is the right answer is option b subscriber identification module next choose the word that is correctly spelt. answer is option c bureau choose the correct meaning of the phrase to add fuel to the flame to make a bad situation worse to burn something fill it Flames out. Options first. To make a bad situation worse. To burn something till it flames out. To extend support in the kitchen. To argue unknowingly till the end. Answer is option A. To make a bad situation worse. What is which of the following will convey the meaning? A chain is only as strong as its weakest link. One weak part will render the whole week. One weak part cannot render the whole week. One weak part will render the weak part weak. One weak part in the strong chain cannot render it weak. Answer is one weak part will render the whole week. Ek galti ge, pura jo bhi hoga, wo waste ho Cuisine means option A, style of cooking. Shiva had received Nisha's two letters dash that night the dash of the two seems more loyal so here shiva had received nisha's two letters later that night the latter of the two malabjo second valadha seems to be more loyal an iq test measures the intelligence choose the synonym of the given word concise Answer is brief, short and brief, that is concise. Next, someone who is extremely unwilling to spend money. Answer is option C, parsimonious. Find the odd one out. Three words out of the four are homophones praise, praise, price, praise. Answer is option C, ye homophone nahi hai. गिवन बिलो आर दिन ऑफ सैडनेस फाइंड दउसर इज ऑप्शन बी हैप्पीनेस ये सिनोनम नहीं होगा ये एंटोनम होगा द मैनेजर डिड नॉट एक्सेप्ट हिज सजेशन सो दिचुएशन रिमेन्स स्टेटस को स्टेटस को मतलब सेम टू सेम नो चेंज ये भी फॉरन वर्ड्स के टॉपिक में से पूछा गया है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस ये प्रोवर्ब को कम्प्लीट करना है नेक्स्ट वी वर आस्क्ड टू प्रजेंट द केस डैश यूजिंग फ्यू वर्ड्स आंसर इज ऑप्शन बी इन अ नट शेल सो यूजिंग फ्यू वर्ड्स का मीनिंग है इन अ नट शेल दैट इज़ नथिंग बट वेन यू आर गिविंग द इंफॉर्मेशन इन अ कंसाइज वे she was dashed with a poor performance for her students dismayed to here dismayed ka hame a uh, synonym hai answer is option d disappointed an alphabetical list of sources such as books journals etc consulted by the writer in preparing a business report is called as bibliography Give one word for something that happens over and over or continues for a long time. Answer is option C chronic. Next, give one word for something that happens over and over or continues for a long time. Answer is option C chronic. The full form of FAQ is frequently asked. क्वेश्चन तो ये भी एब्रीवियस रिलेटेड क्वेश्चन है ओके okay, सो so ये था आपके चैप्टर नंबर टू रिलेटेड कुछ क्वेश्चन चलिए लेट्स चैप्टर चैप्टर नंबर थ्री कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेजेस एंड आर्ट ऑफ समराइजिंग अब ये चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले वो समझ लो आपको पैसेज दिया होगा इन द एग्जाम वो पैसेज रीड करके हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है कभी कभी तीन क्वेश्चन होंगे कभी कभी पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर होता है पैरा जम्बल्स एंड सेंटेंस अरेंजमेंट इसका मतलब आपको चार पांच सेंटेंसेस दिए जाएंगे जो कि जम्बल्ड वे में होंगे हमें उसको सही सीक्वेंस में सेट करना है दैट इज़ पैराजम्बल्स एंड सेंटेंस अरेंजमेंट देन इज सेंटेंस करेक्शन आपको एक सेंटेंस दिया होगा वो सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा देर वुड बी सम मिस्टेक इन दैट सेंटेंस और वो सेंटेंस का मिस्टेक हमें क्या करना है रेक्टिफाई करना है एंड द लास्ट इज एंड द लास्ट इज सेंटेंस कंप्लीशन

To come back home is the right answer rearrange the sentences and make a meaningful paragraph only big change we had was visiting our grandparents village there used to be terrible fights at home unbearable stench and shouts used to enter home along with our father chini and i used to close our ears and gaze at each other behind closed डोर्स अभी यहाँ पे इफ़ यू सी चार सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि जम्बल्ड वे में है हमें इसको परफेक्ट सीक्वेंस में सेट करना है अभी जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है देन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शंस गलत होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे एंड देन वी विल हैव द राइट सीक्वेंस बाय डूइंग द एलिमिनेशन मेथड अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता आर मल्टीपल वेज आपको जो भी आपके हिसाब से आप कंफर्टेबल हो आप वो मेथड यूज करके पैरा पैराजाम्बल्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो सो लेट्स सी व्हाट द आंसर इज यहां पर सही जवाब है ऑप्शन ए थ्री टू फोर वन नेक्स्ट Rearrange the following parts and choose a correct sequence. To see a snake back, she was shocked on her husband's chair when the princess came. When the princess came back, she was shocked to see a snake on her father's chair. Answer is option C D B A C. Matlab, yaha par Ek sentence ko. वो लोग ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड फिर इसको अरेंज करना है ताकि हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सके नेक्स्ट चूज द करेक्ट सीक्वेंस एंड मार्क द राइट आंसर एंड वेंट स्ट्रेट टू द फिश ही स्लोली स्लिप्ड इन टू द पॉन्ड द क्रोकोडाइल हर्ड ऑल दिस वेन द फिशरमैन लेफ्ट सो द राइट चॉइस इज ऑप्शन ए सी डी बी ए द क्रोकोडाइल heard all this. when the fisherman left, he slowly slipped into the pond and went straight to the fish. Now a passage hai related to this passage Good questions hai. So let's see kaise passage ke questions I. The platypus is a semi-aquatic egg-laying mammal endemic to eastern Australia. Including Tasmania, it is among nature's most unlikely animals. In act, the first scientists to examine a specimen believed they were the victims of a hoax. The animal is best described as a hodgepodge of more familiar species, the duck. Like other monotremes, it senses prey through electrolocation. It is one of the few species of venomous mammals. While both male and female platypuses are born with and spurs, only the spurs on the male's back ankles deliver venom. Although dogs, the venom is not lethal to humans, but the pain is so excruciating that the victim may be incapacitated. Platypuses hunt underwater where they swim gracefully by padding with their front webbed. Feet and stirring with their hind feet and beaver like tail. Folds of skin cover their eyes and ears to prevent water from entering, and the nostrils close with a water light seal. These Australian mammals are bottom feeders. They scoop up insects and larvae, shellfish and worm in their bill, along with bits of gravel and mud from the bottom. All this material is stored in cheek pouches and at the surface, mashed for consumption. Platypuses do not have teeth, so the bits of gravel help them to chew their meal. The unique features of the platypus make it an important subject in the study of evolutionary biology and a recognizable and iconic symbol of Australia the platypus the animal em emblem of the state the platypus is the animal emblem of the state of south wades let's see which questions to the the platypus delivers venom through option b ankle spurs next question underwater the platypus use their tail to swim the platypus seemed to be a hoax made up of other animals. Answer is option A 2. Read the following passage and answer the question Chocolate is a preparation of roasted and ground cacao seeds that is made in the form of liquid paste or in a block, which may also be used as a flavoring ingredient in other foods. The earliest signs of use are associated with Olmec sites within what would become Mexico's post-colonial territory, suggesting consumption of chocolate beverages dating from 19th century BCE. The majority of Mesomen can people made chocolate beverages, including the Maya and Aztecs. In contrast to the Maya, who like their chocolates warm extacs drank it cold, seasoning with a broad vanity of additives including chili pepper, ally spice, vanilla and honey. The Aztecs were unable to grow cocoa themselves as their home in the empire. Those who lived in areas ruled by the Aztecs were required to offer cacao seeds in payment of the tax they deemed tribute. Cacao beans were often used as currency, for example. The extracts used a system in which one turkey cost 100 cacao beans and one fresh avocado was worth 3 beans. The English word chocolate coins via Spanish from the classical Nahauti word zocolet, the seeds of the cacao trees, have an intense bitter taste and must be fermented to develop the flavor after fermentation the beans are dried cleaned and roasted the shell is removed to produce cacao nibs which are then ground to cacao mass unadulterated chocolate in rough form although cacao originated in the americans west african countries particularly cote d'ivoire and ghana are the leading producers of cacao in the 21st century, accounting for some 60% of the world cacao supply? According to the passage, chocolate originated in the dash. Answer for question number one is option B America. As tax obtained chocolate through tax, various seasonings were added the chocolate by the dash answer is option d as tax choose the correct sequence and mark the right answer accordingly food water by insect vector or as an aerosol intended to deliberately biological weapons are devices producing organisms or toxins in disseminate disease

स इन करेक्ट सीक्वेंस द किंग रिक्वेस्ट द प्रिंस वैन द प्रिंस इन डिस्काइ केम टू मैरी हिज डॉटर टू बेक फॉर फूड इन द पैलेस सो एज पर द ऑप्शन बी लगता है कि पहला सीक्वेंस में होना चाहिए बट अगर बी का देखोगे तो दो ऑप्शन है सो लेट सी बाय एलिमिनेशन मेथड कौन सा सही आंसर हो सकता है When the prince in disguise came to beg food in the palace, the king requested the prince to marry his daughter. So, answer is option B, that is B D A C. Next question: Replace the underlined word with the correct option. Despite of being rich, he worked hard for his boss. Here, yeah, despite of. So, यहां पे डिस्पाइट ऑफ नहीं आएगा वी जस्ट राइट बींग रिच शी रिकेपचुलेट अगेन द होल लेसन सो यहाँ पे रिकेपचुलेट अगेन रिकेप्चुलेट का मतलब ही होता है फिर से करना सो रिकैप्चुलेट्स अगेन दोनों वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है सो so, यहाँ पे शी री कैप्चुलेट्स द होल लेसन रीप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड इफ यू सी दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड डिस्पाइट ऑफ बींग रिच ही वर्क हार्ड फॉर हिज बॉस ओके सो डिस्पाइट ऑफ गलत है उसके बदले हम सिर्फ लिखेंगे दिस्पाइट अरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर

Lies not in never falling but in rising every time we fall. Answer is option C that is CEAB. Answer is option C that is CEADB. Next, read the sentence to determine whether it has any grammatical error and choose the option with the error accordingly. If there is no error, then choose option D. आई फाइंड इट हार्ड टू चूज बिटवीन दीज फोर फ्लेवर्स आंसर इज देर इज ऑप्शन सी बिटवीन दीज फोर फ्लेवर्स बिटवीन के बदले होना चाहिए अमंग दीज फोर फ्लेवर्स सो ऑप्शन सी जो है बिटवीन दीज फोर फ्लेवर्स इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज The octopus, plural octopuses, is a soft bodied, eight limbed mollusk of the order Octopoda. Around 300 species are recognized, and the order is grouped within the class Cep Cephalopodo with squids, cuttlefish, and nautiloids. Like other cephalopods, the octopus is Bilaterally symmetric with two eyes and a beak, with its mouth at the center point of the eight limbs. The soft body can radically alter its shape, enabling octopuses to squeeze through small gaps. They trail their eight appendages behind them as they swim. The siphon is used both for respiration. And for locomotion by expelling a jet of water. Octopuses have a complex nervous system and excellent sight and are amongst the most intelligent and behaviorally diverse of all invertebrates. Strategies to defend themselves against predators include the expulsion of ink, the use of camouflage and threat displays, the ability to jet quickly through the water and hide, and even deceit. All octopuses are venomous, but only the blue-ringed octopuses appear in mythology as sea monsters like the Kraken of Norway and the Ekorokoumi of the Ainu and probably the Gorgon of ancient Greece. They are eaten and considered a delicacy by humans in many parts of the world, especially the Mediterranean and the Asian seas. The octopus is a type of moleus. Octopus have a nervous system that is complex. The mythical carcane of Norway is an octopus. Rearrange the sentences given to make a meaningful paragraph. The shadows changed shape and moved along the walls of each room from morning to evening. Mridu liked the house in which she lived. The two coconut trees were never silent. From the barred old-fashioned windows on every side, the green of the garden सेंट कूल डार्क शैडोज इंटू द फोर रूम्स सो यहाँ पर चार सेंटेंसेस दिए गए हैं यहाँ पर ये चार सेंटेंसेस को हमें सही सीक्वेंस में सेट करना है लेट्स वट द आंसर इज सो द राइट चॉइस इज ऑप्शन बी टू वन थ्री फोर नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर आई कान्ट रिमेंबर अ टाइम My most reliable companion, my preferred role model, wasn't my favorite babysitter when the television? Answer is option A, D G F C E. Next. Scholarly interest in earthquakes can be traced back to antiquity in 132 CE. Zhang Heng of China's han dynasty designed the first known seismoscope the lisbon earthquake of 1755 coinciding with the general flowering of science in europe set in motion intensified scientific attempts to understand the behavior and causation of earthquakes from 1857 robert mallet laid the foundation of instrumental seismology has revealed much about the structure of the earth's core mantle and crust the english seismologist richard dixon oldham's studies of earthquake records in 1906 led to the discovery of the earth's core from studies of the creation quake of October 1909, the geophysicist Andrija Mohorovic discovered the discontinuity that separates the crust from the underlying mantle. Today, there, today, there are more than 1000 seismograph stations around the world, and their data are used to compile seismicity maps. Let's see the questions. The word seismology was coined by Zhang Hang. The discovery of the earth's core was a result of studies by Richard Dixon Oldham. Choose the correct option to rearrange the sentences. Being healthy is about consciously thinking about your health. Of products that have been formulated to seamlessly flora as a pioneer of heart health bring to you a range. Health is not about size or shape integrate health into your life in your own way let's see correct sequence kya hai? answer is option b a d c b e let's see the next question passages heritable traits are passed from one generation to the next via dna a molecule that encodes Generatic information. Evolution in organisms occurs through changes in heritable traits, the inherited characteristics of an organism. In humans, for example, eye color is an inherited characteristic, and an individual might inherit the brown eye trait from one of their parents. Inherited traits are controlled by genes, and the complete set of genes within an organism's genome. Is called its genotype. The complete set of observable traits that make up the structure and behavior of an organism is called phenotype. These traits come from the infraction of its genotype with the environment. As a result, many aspects of an organism's phenotype are not inherited. For example, subtended skin comes from the interaction between a person's genotype and sunlight. Thus, suntans are not passed on to people's children. Let's see. Evolution occurs when there are changes in one's. Answer is option B heritable traits. Traits are passed via. DNA. The interaction between one's genotype and the environment results in one's Answer is option C, phenotype. Choose the correct option to rearrange the sentences and make a meaningful paragraph. And now, here is my secret a very simple secret. It is only with the heart that one can see right. Goodbye, said the locks, because what is essential is invisible to the eyes. So, let's see what the right sequence is. Answer is option C 1, 2, 4, and 3. Choose the correct sentence. I was wondering today if her friends were going to visit her father's restaurant. I was wondering today if her friends were going to visit her father's restaurant. I was wondering today. In her friends. Were going to visit her father's restaurant. I was wondering today if her friends were going to visit her father's restaurant. Okay, so here it has to be if. Okay, so yahaan pe ye in badle if hona chahiye. So I was wondering today if her friends were going to visit her father's restaurant. Read the sentence to determine whether it has any grammatical error or not. I am getting more better by the day. So, here more better is grammatically incorrect. I am getting better by the day. Choose the correct option from the choices. She had not fought him after school. She had not fought him after high school leaving. She had not fighted with him after leaving high school. She did not fight with him after she left high school. She had not fighting with him since high school leaving. Answer is option C. She did not fight with him after she had left high school. Choose the correct sentence. No, you must use a fire extinguisher to put out the fire and not hit it with a cloth. No, you must use a fire extinguisher to put out the fire, not hit with a cloth. No, you must. No. Okay, so if you see, here alug alag punctuations related questions. Diye hai. Sentence, if you same same, just the differences of the punctuation. So here, the right answer is option B. Pick out the error in the sentence. The children were playing happily. Answer is no error, ikdam he sahi sentence hai. He sat as still as a mouse waiting to see there what would happen. So the right sequence is option D. He sat there as still as a mouse waiting to see what would happen. Identify the correct sequence. The nets were big and strong the next morning. वेरी सोन ऑल द फिश वर्कआउट द फिशर मैन केम एंड थ्रू दे आर नेट्स इन द पोंड आंसर इज ऑप्शन सी चूज द वर्ड दैट डजेंट बिलोंग इन द सेंटेंस शी वेंट टू ईट पिज्जा एट अ रेस्टोरेंट डिस्पाइट ऑफ हर डाइट रेस्ट्रिक्शंस अगेन यहाँ पे अगर देखोगे डिस्पाइट ऑफ आया है तो ऑफ वर्ड बिलोंग नहीं करता टू तो द सेंटेंस rearrange the following parts to choose the correct sequence had a wise and of vijaygarh the kingdom kind king so let's see the correct sequence Kya hai? the kingdom of vijaygarh had a wise and kind king cousin in possible a year older and me all at the same time already married the elder decided to marry my second brother who was two or three years my senior we were three brothers let's see iska bhi correct sequence hai which of the following is a correct revision of the sentence neither my friend nor my companion agree to walk to the office neither my friend nor my companion agree to walk to the office Neither my friend nor my companions agrees to walk to the office neither my friends nor my companion agree to walk to their office neither my friends nor my companions agree to walk to the office answer is option d rearrange the sentences to make meaningful paragraph while handing me a small pouch he said this is all the money i have and i want to give it to you for liberating children so that they can go to the school. His gesture was simple yet very powerful. He had just witnessed a meeting on the power of education across the street from the Dhaba he worked at during the march in a small town called Pilkahua in Uttar Pradesh. A child labourer of about 10 years of age approached me. So the right sequence is option D 4312. Rearrange the sentences. On a Saturday morning, a series of bizarre events occurred aboard the luxury liner SS Bretonage in early August in 1969, 57,000 tan. Let's see kya hai sahi sequence. Yes, answer is option B, D, A, B, E and C. सो so, यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए चैप्टर नंबर थ्री के ना एक इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ रिलेटेड टू चैप्टर नंबर थ्री ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए हैं वही आएंगे कभी कभी ओके सेम क्वेश्चन वेरी रेयर केस में आता है बट यूजुअली दे ऑलवेज आस्क ओके डिफरेंट क्वेश्चन क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये पूरा एक प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर होता है इट्स नॉट नेसेसरी के जो जंबल्स पैसेजेस सेंटेंस करेक्शन हमने किए वही आएंगे ओके सो ये चैप्टर एक प्रैक्टिस के तौर पे देखना वी नेवर नो इन द एग्जाम ओके हाउ द क्वेश्चन विल कम चलिए लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर फोर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड काफ़ी क्वेश्चंस भी ये चैप्टर पर से आते हैं चलिए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन

एक्स को क्या दे रहा है फीडबैक दे रहा है तो यहाँ पे एक साइकिल सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होता है इसीलिए इसको क्या बोला है यहाँ पे सर्किट नेटवर्क नेक्स्ट विच इज मोस्ट फॉर्मल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आंसर ऑप्शन बी रिटर्न कम्युनिकेशन ज्यादा करके फॉर्मल बात अगर हमें करनी होती है तो हम रिटर्न में ही बात करते हैं हेंस आंसर इज ऑप्शन बी रिटर्न कम्युनिकेशन विच ऑफ़ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन आंसर इज ऑप्शन डी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन अभी देखो इसका आंसर विजुअल भी हो सकता है ऑडियो विजुअल भी हो सकता है बट मोस्ट अप्रोप्रिएट हम कंसिडर करते हैं ऑडियो विजुअल बिकॉज अगर आप कुछ सेमिनार लेते हो कुछ कॉन्फ्रेंस लेते हो उसमें अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो ऑडियो और विजुअल दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा बट इवन विजुअल कम्युनिकेशन भी सही हो सकता है एज एन आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आंसर इज ऑप्शन डी रूल्स एंड रेगुलेशन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट अगर बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप करते हो तो उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो सकता है बिकॉज कभी कभी अगर रूल्स फॉलो नहीं होंगे या तो किसी को रूल्स अगर समझ में नहीं आए तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरप्रेटिंग स्टोरिंग एंड यूजिंग अ मैसेज फीडबैक प्रोसीजर मैसेजीबल अभी इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है समझना एंड देन वो मैसेज को आगे आप कैसे यूज करते हो तो अगर दोनों भी सेंडर एंड रिसीवर नॉलेजबल होंगे तब हम बोल सकते हैं दैट सही अंडरस्टैंडिंग होगा एंड हम आगे मैसेज को यूटिलाइज कर पाएंगे विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन वुड यू चूज फॉर पब्लिक स्पीच आंसर इज ऑप्शन डी ओरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो जब आप बहुत सारे लोगों के साथ बात करते हो कुछ स्पीच देते हो तो बेस्ट तरीका होता है ओरली उसको डिलीवर करना नेक्स्ट पिक आउट द फ्रेज विच शोज पोलाइटनेस एंड कंसिडरेशन वी डोंट एंटरटेन कंप्लेन

Which of the following is an online discussion group where people can join a group and post messages to that group? Answer is option B. Forums. अभी forums are like online discussion groups. जो भी आपको, जो भी latest topics पर कुछ भी आपको discussion करना है, आप openly उस पर आप questions post कर सकते हो. And just किसी के भी पास उसका answer होगा, वो आपको reply कर देगा as an answer.

एनकरेज करता है अपने एम्प्लॉज को अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने वर्कर्स को जब वो अपना सजेशंस एंड ओपिनियंस देते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन हैज बी इफेक्टिव इट रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इट मस्ट बी रेलिवेंट ओके अगर आपको अपना बिजनेस कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है अंडरस्टैंडिंग बनाना है तो जो कंटेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सही होना चाहिए रेलेवेंट होना चाहिए जो आगे यूजफुल होगा विच ऑफ दीज कैन बी अ बैरियर टू कम्युनिकेशन यूज ऑफ हाई स्टैंडिंग वर्ड्स यूज ऑफ हाई स्टैंडिंग वर्ड्स मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स जैसे एक टर्म होता है जार्गन्स। जार्गन्स का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड्स तो जितने ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स होंगे जितने ज्यादा जार्गन होंगे देर आर चांसेस के क्या हो सकता है कम्युनिकेशन बैरियर वॉट द पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ दैट अदर्स डू नॉट नो इज पुट इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग अभी यहां पर ये जोहारी विंडो पर कॉन्सेप्ट पूछा है जो बोला है कि मुझे अपने बारे में इंफॉर्मेशन पता है बट दूसरों को इसके बारे में नहीं पता सो so यहां पे सही जवाब है हिडन एरिया या तो फिर इसको फसाद क्वाड्रेंट भी हम बोलते हैं सो हिडन क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट या फसाद quadrant में ऐसा इंफॉर्मेशन आता है जिसके बारे में मुझे पता है बट दूसरों को इंफॉर्मेशन नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज अ अटन कम्युनिकेशन आंसर इज ऑप्शन डी

टू एनेबल कॉम्प्रीहेंशन सो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए लैंग्वेज लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है चाहे वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो या ओरल कम्युनिकेशन हो वो हावे यू स्पीक ओके लैंग्वेज पता होना बहुत जरूरी होता है नेक्स्ट इट इज मच मोर कॉमन फॉर फीलिंग ऑफ लाइकिंग वॉर्म एंड एंथम टू बी कन्वेड एंड रेसिप्रोकेटेड थ्रू कम्युनिकेशन सो यहाँ पे बोला है, that communication का होना भी बहुत जरूरी है. सिर्फ वर्ड यूज करना जरूरी नहीं होता है words के पीछे आपके क्या फीलिंग है ओके वॉट इज योअर थॉट आई यू फीलिंग हैपी आई यू फीलिंग अपसेट आई यू फीलिंग एंथुजिया ये भी ओके okay, आपको कन्वे करना जरूरी है विच इज नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिकनल कम्युनिकेशन इज न पर्सनल लेवल द टोन इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल मोस्ट ऑफ द इंटरनल कम्युनिकेशन इज औरल या तो इंटरनल कम्युनिकेशन स्ट्रिक्ट अवॉइड जेस्टर्स आंसर इज ऑप्शन सी मोस्ट ऑफ द इंटरनल कम्युनिकेशन इज औरल इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब विद इन दर्गनाइजेशन जो बातें होती है तो वो वैसे भी विदिन ऑर्गेनाइजेशन है बाहर वाले यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है तो ओरली भी अगर आप बात करोगे तो भी इट इज फ़ाइन। ऑल ऑफ आर ऑफ़ कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। आंसर इज ए टी एम ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आंसर इज ऑप्शन ए पैम्पलेट

एनकोडर जैसे सेंडर मैसेज को क्या करता है एनकोड करता है इसीलिए द वन हु एनकोड्स द मैसेज इज कॉल्ड एज वॉट एन कोड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिसाइड्स द सक्सेस और फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन आंसर इज फीडबैक अगर सही फीडबैक मिला तो हम ये बोल सकते हैं कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे रिसीवर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रॉपर मैसेज समझ में आ गया है इन वर्टिकल कम्युनिकेशन जॉब रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आर गिवेन बाय द मैनेजर्स टू द सबोर्डिनेट्स कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस द सेंडर शुड चूज हिज वर्ड्स वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड एम्बिगिटी एम्बिग्विटी का मतलब होता है कन्फ्यूजन तो जितने ज्यादा क्लियर वर्ड्स आप यूज करोगे जितने सही वर्ड्स आप यूज करोगे उतना ही कन्फ्यूजन उतना ही एम्बिग्विटी कम होगा ऑलदो ही वॉज डीलेड बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक ही डिड नॉट डैश द फ्लाइट ही डिड नॉट मिस द फ्लाइट

स्पोकन वर्ड्स वुड बी क्लासीफाइडिकेशन आंसर इज ऑप्शन हाउ कैन बैरियर एंड आर्ग्यूमेंट बी रिजोल्ड लिस दुख आर्ग्यूमेंट है कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो एक दूसरे का व्यू पॉइंट सुनो एक दूसरे का व्यू पॉइंट समझो तब हम एक उम्मीद रख सकते हैं कि वो आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या हो सकता है रिजॉल्व हो सकता है शंकर शंकर एंड कृष्णा आर वर्किंग इन द सेम कंपनी। सेंट अ मीटिंग रिक्वेस्ट टू कृष्णा दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विल फॉल अंडर विच ऑफ द कम्युनिकेशन आंसर इज ऑप्शन सी इंटरनल कम्युनिकेशन बिकॉज बोथ आर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन एंड सेम ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप बात कर रहे हो तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है इंटरनल कम्युनिकेशन विच इज दंडक्टिंग मीटिंग टूडे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओके नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन ओके तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एक प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है मीटिंग रखने का which of the following statements about communication is true ineffective communication produces at least some times good result to the sender ineffective communication is vague incomplete incorrect and difficult to understand ineffective communication in and organization sometimes helps in decision making ineffective communication is rarely

Understand. Which of the following means of communication is preferred for legal documentation? Answer is option B written communication. The sender should include a sentence or a short paragraph highlighting the relevance of the content. Answer is option A greetings.

सो विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली अगर बात करनी है कुछ भी आपको बताना है टू द एम्प्लॉज तो उसके लिए मेमोरेंडम आप यूज कर सकते हो विच इज द बेस्ट इंटरनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन इफ द मैसेज वॉज ऑफ अ कॉन्फिडेंशियल नेचर विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन वुड यू यूज आंसर इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंटरपोर्सनल कम्युनिकेशन मतलब फेस टू फेस मिलकर बातचीत कर लो बिकॉज ये कौन सा कम्युनिकेशन हैल्टू कॉम्प्रीहेंड आर कंसिडर्ड एज सिमेंटिक बैरियर्स सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब होता है मैं कुछ आपको समझाना चाहती हूँ बट आप कुछ अलग ही समझते हो क्यों आपने अलग समझा बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट इंफॉर्मेशन मान लो आज अगर मैंने कोई टेक्निकल वर्ड या कोई जार्गन यूज किया है आपने अगर उसका कुछ अलग ही मतलब समझ लिया तो ये कौन सा बैरियर होगा सिमेंटिक बैरियर्स। नेक्स्ट इफ यू सी दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड तो कभी कभी कुछ टॉपिक्स पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं इन द एग्जाम Mr X sends message to Mr Y after receiving the message Mr Y communicates the feedback to Mr X this communication is which network it is circuit network which of the following is not a barrier to listening speakers pronunciation of words empathizing with the speaker environmental or physical distractions

Useful and extremely important. Choose the phrase which is polite. Please permit me to say that your application is rejected. You cannot replace the items once it is sold. You cannot return the damaged goods. Answer is option A. Please permit me to say that. So, he is respectful, he is courteous. okay Handheld computer devices.

It is a channel used to pass on information to the customers and clients. It is a process in which criticism flows in the organization from down to top. It is a pattern of direction in which information is obtained from. Now, here is option A. Hai. It is a pattern of direction in which information flows in the organization. So, within the organization, if communication is happening, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन होगा रिटर्न कम्युनिकेशन इज यूज इन मीटिंग्स, बिकॉज मीटिंग्स को हम ओरल कम्युनिकेशन में कंसिडर करते हैं अ रिसीवर क्रिएट्स अ बैरियर बाय हिज और हर इन डिफरेंस मतलब उसको कुछ बॉदरेंस ही नहीं है कुछ पड़ी ही नहीं है बिकॉज़ रिसीवर जो है वो खुद ही ओके इंटरेस्टेड नहीं है तो बिकॉज वो इन है उसको कुछ भी लेना देना नहीं है दैट इज वाई पर्सन इज शोइंग वॉट लैक ऑफ इंटरेस्ट हु इनिशियली डिटरमाइंस द मोड ऑफ कम्युनिकेशन देंडर

एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेप वाइन इज गॉसिप्स एंड रूमर्स तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो गॉसिप्स एंड रूमर्स होते हैं जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है विच इज ग्रेप वाइन बी सी डी ई एफ आर द सबॉर्डिनेट्स टू ए इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की एंड रिसीव द कमांड्स फ्रॉम ए दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज द चेन नेटवर्क क्योंकि चेन नेटवर्क में क्या फॉलो होता है ऑर्गेनाइजेशनल इफ यू सी द डायग्राम ऑफ चेन नेटवर्क ए बी सी डी ई तो यहां पे ये ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की फॉलो होता है इसीलिए ये क्या है चेन नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोड्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन आंसर इज ऑप्शन डी नोटिस हाउ कैन द बैरियर ऑफ पुअर रिटेंशन बी ओवरकम पुअर रिटेंशन मतलब जब याद नहीं रहता एज receiver, जो भी आप बातें सुनते हो बट आप उसको सही तरीके से याद नहीं रख सकते हो तो उसको बोलते हैं पुअर रिटेंशन तो ये क्यों होता है एंड वो बैरियर को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं

Okay, तो सब कुछ अभी होता है. जो भी आपको इंटर ब्लॉग्स पब्लिक एंड इंटरनेट कंपनी वेब पेजेस फेसबुक एंड ट्विटर अलाउ मेज टू रीच इंस्टेंटेनियसली एंड ग्लोबली तो सोशल मीडिया के जरिए आप फटाफट तुरंत एक क्लिक पर ओके okay, दुनिया भर में मैसेजेस भेज सकते हो नॉलेज फ्रॉम वेरियस सच एज एंथ्रोपोलॉजी साइकोलॉजी सोशोलॉजी एंटी पोलिटिकल साइंस आर यूज इन कम्युनिकेशन सो इट इज कंसिडर्ड एज इंटर डिसिप्लिनरी साइंस इंटर डिसिप्लिनरी साइंस मतलब ये एक कम्युनिकेशन का फीचर है इसमें ये बोला है जब आपको अलग अलग कल्चर के लोगों से बातें पता चलती है अलग अलग एकेडमिक बैकग्राउंड से अगर आपको बातें पता चलती है तो वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस होता है विच ऑफ ट्रेड्स शुड बी गिवन द हाइस्ट प्रायोरिटी टू इम्प्रूव बिजनेस रिलेशन आंसर इज कर्टसी जितना ज्यादा अच्छे से बात करोगे जितना ज्यादा पोलाइटली बात करोगे तो पता चलेगा कि यस yes, एक अच्छे बिजनेस रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं विच ऑफ द अ प्रोसेस और अ प्रोसीजर फ्लो चार्ट ओके तो फ्लो uh, चार्ट के जरिए अगर आप एरोज बनाकर आप कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हो कुछ प्रोसीजर बोलते हो तो वो एक अच्छा मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि कोई भी प्रोसीजर समझाने के लिए आप क्या यूज करते हो फ्लो चार्ट Which of the following is a respected skill in business communication? Answer is option A. Conciseness. Jitna short and brief, aapka information hoga, utna better. Okay, saamne wale ko samajh aayega. So the more concise the message is, more better it will be understood. Which of the following factors can interfere with communication process? Answer is noise. नॉइज एक टाइप का क्या माना जाता है फिजिकल बैरियर तो जितना ज्यादा अनवांटेड साउंड होगा जितना ज्यादा ज्यादा नॉइज होगा उतना क्या हो सकता है इंटरफियर हो सकता है बैरियर हो सकता है इन कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क अ अंटेक्ट बिटवीन सुपीरियर एंड सबोर्डिनेट एंडसेवर्सा आंसर इज वर्टिकल नेटवर्क इफ यू ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ वर्टिकल नेटवर्क एक सुपीरियर है एक सबॉर्डिनेट है सुपीरियर बात कर सकता है सबॉर्डिनेट के साथ एंड वाइसे वर्सा सबॉर्डिनेट भी बात कर सकता है सुपीरियर के साथ तो ये कौन सा नेटवर्क होगा वर्टिकल नेटवर्क हु अमंग द फॉलोइंग गेव द डेफिनेशन कम्युनिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर आंसर इज ऑप्शन सी हटसन अभी ये जो टॉपिक है ना चैप्टर नंबर के स्टार्टिंग में दिया गया है चार डेफिनेशन दिए गए है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन और चारों डेफिनेशन ना एलन लुई ने दिया है जॉर्ज टेरी ने दिया है कूथस एंड ओ डोनेल ने दिया है एंड हटसन ने दिया है सो दो फोर डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन प्लीज ध्यान से करके जाना एंड किसने वो डेफिनेशन दिया है सिंस पर ये डेफिनेशन है इसीलिए ये डेफिनेशन दिया है हटसन ने इसीलिए पे मार्क किया है हटसन ऐसे और तीन डेफिनेशन दिए गए हैं जो बाकी तीनों ने दिए हैं सो प्लीज वो करके जाना इन द एग्जाम यू नेवर नो कौन सा डेफिनेशन पूछ ले इन द एग्जाम कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन

और उसको ही नहीं पता होगा कि कैसे हमें कम्युनिकेट करना है तो वो क्या बन जाएगा बैरियर बन जाएगा कंप्लीट मिसकम्युनिकेशन आर ग्रेटर विदाउट विजुअल क्यूज इसका मतलब अगर हम आमने सामने एक दूसरे के सामने बातचीत कर रहे हैं या तो वीडियो कॉल्स पे बातचीत कर रहे हैं अगर विजुअली ओके okay, आप सामने वाले को अगर देख सकते हो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है कम्युनिकेशन का मिसकम्युनिकेशन नहीं होता सो ज्यादा मिसकम्युनिकेशन कब होगा जब आमने सामने सेंडर रिसीवर एक दूसरे को नहीं देख सकते नेक्स्ट लिसनर रिस्पॉन्स टू द मैसेज दिस इज कॉल्ड द फीडबैक स्टेज सो एज अ रिसीवर जब आप कम्युनिकेशन सुन लेते हो मैसेज सुन लेते हो एंड जब आप रिस्पोंड करते हो तो हम कह सकते हैं कि आपने क्या दिया है फीडबैक दिया है वन शुड यूज हाईली फॉर्मल एंड कर्टियस लैंग्वेज वाइल राइटिंग टू द चेयरमैन ऑफ अ कंपनी तो ऑब्वियसली चेयरमैन इज एट अ हायर लेवल तो जितना उनके साथ फॉर्मली बात करेंगे जितना फॉर्मल लैंग्वेज होगा उतना सही रहेगा द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी डिसाइडेड डैश द कॉम्पोजिशन ऑफ द मैसेज प्रायर टू द कॉम्पोजिशन ऑफ द मैसेज अब मान लो मुझे आपको कोई इंफॉर्मेशन भेजना है तो भेजने से पहले ही मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे रिटर्न वे में भेजना है ओरल वे में भेजना है या मुझे आपको थ्रू बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल मेथड के जरिए आपको भेजना है सो बिफोर डिसाइडिंग एंड कन्वे द मैसेज हमें पता होना चाहिए कि आपके चैनल के जरिए कम्युनिकेशन करोगे दो नॉट है इंफॉर्मेशन दोज हुव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी और केपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोज हुव नो से और इंटरेस्ट इन द मैटर हमें हमारा target audience पता होना चाहिए. आज आप जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं वी नो कि हमारा रेसिपिएंट कौन है मैसेज का सो बिफोर यू सेंड द मैसेज आपको पता होना चाहिए कि कौन से कैटेगरी के ऑडियंस को कौन से रिसीवर को ये मैसेज यूजफुल होगा रेलिवेंट होगा वट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिसकम्युनिकेशन यूजिंग टू कम्युनिकेट यूजिंग द रोंग लैंग्वेज डिस्टर्बेंस इन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन द रिसीवर इज नॉट पर इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द मैसेज आंसर इज ऑप्शन डी मिसकम्युनिकेशन मतलब मैं जो बोलना चाह रही हूँ एज अ रिसीवर आप उसको समझ नहीं पा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा what is the difference between cell phones and telephones? cell phones convey verbal messages. telephones are called landlines. cell phones are wireless. telephones are useful for long distance communication. answer is option c. cell phones are wireless. okay, they mobile phones, wireless. Hota hai. telephones basically are like landlines which are wired. they are not wireless. what kind of keyboard does a smartphone have?

बिजनेस नेटवर्किंग आप यूज कर सकते हो अपना नेटवर्क ग्रो करने के लिए बट मैसेज को भेजने के लिए बिजनेस नेटवर्किंग यूज नहीं होता फैक्स यूज होता था पहले के जमाने में ईमेल भी यूज होता है मैसेज भेजने में और एसएमएस भी यूज होता है मैसेज भेजने में द क्वालिटी ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द सेंडर कैन बी प्रूवड फ्रॉम हिज क्रेडिबिलिटी तो जितना uh, अच्छा सेंडर होगा जितना अच्छा उसका पास रिकॉर्ड होगा उससे हम बोल सकते हैं कि सेंडर क्या है ट्रस्ट वर्दी है या नहीं ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार की इज नोन एज लैटरल कम्युनिकेशन नाउ सी लैटरल कम्युनिकेशन जो बोला है थिंग बट योर हॉरेजोटल कम्युनिकेशन इन योर सिलेबस लैटरल कम्युनिकेशन वर्ड यूज नहीं किया है बट हॉरिजोंटल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ये टॉपिक है हॉरेजोंटल फ्लो का मतलब क्या होता है जैसे मान लो यहाँ पे एक सेल्स मैनेजर है और यहाँ पर एक परचेज मैनेजर है दोनों भी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं ये पर्सन भी मैनेजर है ये पर्सन भी मैनेजर है तो दोनों भी कौन से लेवल पर है सेम लेवल पर है इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं एज वेल एज लैटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं सो so, यहाँ पर सेम लेवल और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी आएगा बोथ द ऑप्शन आर करेक्ट ओके अगर आप एग्जाम में लैटर भी मार्क्स करते होते हो दोनों भी सही होगा कम्युनिकेशन से ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेजर फंक्शन कम्युनिकेशन की वजह से आप क्या अचीव कर सकते हो विद इन दर्गेनाइजेशन सबसे पहले मोटिवेशन आप दे सकते हो किसी को अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो वो भी एक टाइप का क्या है कम्युनिकेशन है इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हो ओके okay, वो कैसे पास ऑन हो सकता है बाय टॉकिंग बाय कम्युनिकेटिंग एंड इमोशनल एक्सप्रेशन ओके जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है तो अगर आप अपसेट हो या तो फिर आप खुश हो नर्वस हो कॉन्फिडेंट हो ये भी बातचीत के जरिए नॉट एग्जैक्टली बाय टॉकिंग बट थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप पास ऑन कर सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिजिटल ऑफ कम्युनिकेशन आंसर इज सोशल मीडिया बाकी सब ऑनलाइन uh, नहीं है डिजिटल मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट मोबाइल फोन इज नॉट ट्रू इट कैन रिसीव कॉल्स फ्रॉम एनी लोकेशन इट कैन सेंड कॉल्स एज रेडियो वेव सिग्नल इट इज नॉट कनेक्टेड टू अ टेलीफोन नेटवर्क

लाइक like सपोज अगर मैं आपको कुछ बात बोल रही हूँ सो राइट नाउ आई एम द स्पीकर यू आर द लिस्नर सो एज अ अर जब आप मुझे एक अश्योरेंस देते हो कि आप ध्यान से सुन रहे हो तो उससे पता चलता है स्पीकर को कि लिस्नर बराबर से समझ रहा है और ध्यान से सुन भी रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू लिस्निंग स्पीकर प्रनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स

उसमें मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन चैप्टर फोर या फाइव दोनों में भी आ सकता है so, यहां पे विद द स्पीकर इज़ नॉट अदर पर्सन टू स्पीक विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन बी एक्टिव लिसनिंग अभी देखो एक्टिव लिसनिंग में होता क्या है एक्टिव लिसनर वो होता है जो स्पीकर को पहले पूरा मौका देता है बोलने का जानबूझ के वो स्पीकर को इंटरफियर नहीं करता जानबूझ के वो स्पीकर की बातों को रोकता नहीं है द एक्टिव लिसनर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द स्पीकर कि पहले वो अपनी बात कर ले फिर उसको जो क्वेश्चंस है फिर उसको जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है वो रख सकता है सो एक्टिव लिसनर ऐसा लिसनर है जो दूसरों को ओके okay, फुल मौका देता है फुल स्पेस देता है बात करने का एंड आफ्टर द स्पीकर फिनिश इज टॉकिंग वो अपनी बात फिर रखता है स्पीकर के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिसनिंग इज द आर्ट ऑफ डैश एंड अंडरस्टैंडिंग वॉट सम लिसनिंग क्या है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग तो जब भी आप सुनते हो और कंटेंट को समझते हो उसको हम क्या बोलते हैं लिसनिंग What is the difference between hearing and listening? Poor listeners are not spotted easily. Hearing is involuntary. Listening skills are easy to learn. Listening is a part of communication process. Abhi yahan pe kya bola hai? hearing is involuntary. Now, when I say hearing is इन वॉलेंटरी इसका मतलब ये है कि आप कोई भी एफर्ट्स नहीं ले रहे हो यू आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट्स हियरिंग अपने आप ऑटोमैटिकली हो रहा है बट लिस्निंग ऑन दी अदर हैंड जब आप लिसनिंग करते हो लिस्निंग इज वॉल्ट्री वेन यू आर पुटिंग एफर्ट्स वो ऑटोमैटिकली नहीं होता तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग अटेंटिव लिसनिंग हेल्प्स टू अचीव गोल्स क्रिएट न्यू रिलेशनशिप्स गिव अ पॉजिटिव इंप्रेशन रिमेंबर व्हाट द स्पीकर इज सेइंग आंसर इज ऑप्शन डी अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको याद रहेगा कि स्पीकर क्या बोल रहा है हाउ डज इंक्रीजिंग वन वोकैबलरी

Interpreting the message is also known as decoding the message. Interpreting bolo, decoding bolo, ya, understanding the message bolo. Okay, it all means the same. Which of the following is true? Listening does not allow interruption. Being a good listener requires conscious efforts. Listening comes naturally.

इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब दो लोग बैठकर आमने सामने या कॉल पे जैसे भी बात करते हैं एक सेंडर है एक रिसीवर है, है या तो एक स्पीकर है एक लिसनर है जब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन लेट स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस अभी चैप्टर फोर और सिक्स ये बहुत ही दोनों भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फोर और सिक्स का होता है सो लेट स्टार्ट सिक्स। ऑफिस नोट फॉलोइंग, एक्सेप्ट कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। क्यों कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स को नहीं भेजा जाता बिकॉज ये कौन सा कम्युनिकेशन हो जाएगा एक्सटर्नल और ऑफिस नोट कौन सा कम्युनिकेशन है इंटरनल

लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉज नेगेटिव मैसेज कैन हैम्पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैम्पर मतलब अफेक्ट तो कोई भी अगर नेगेटिव मैसेज भेजा जाता है रिलेटेड टू बिजनेस तो उसके वजह से ओके okay, कुछ गड़बड़ हो सकता है रिलेशन में ओके okay, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज ऑफ सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इन अजनेस लेटर यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी डी और मैडम के बाद कॉमा एंड सिंसियरली नाउ इफ यू ऑब्जर्व योर वेरी केयरफुली योर्स जो होता है ना उसमें कभी भी अपोस्टफ़ी नहीं यूज होता वी नेवर यूज अपोस्टफ़ी वेन वी राइट योर्स तो योर्स जब लिखते हैं इन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हमेशा वो विदाउट अपोस्टफ़ी लिखना चाहिए सो so, यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इन रिपोर्ट रिकमेंडेशन सेक्शन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन पोस्टोनिंग अर्जेंट प्रॉब्लम डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉज डिसीशन मेकिंग अटेंडिंग टू अन इम्पोर्टेंट इश्यूज आंसर इज ऑप्शन सी डिसीशन मेकिंग बिकॉज रिकमेंडेशन सेक्शन में ना हम लोग क्या बताते हैं ओपिनियन एंड सजेशन बताते हैं And through these opinions and suggestions, hum kya le sakte hai? decision making kar sakte hai. Pick out the correct complimentary clause. Sincerely yours. Yours most faithfully. Your faithfully. Yours sincerely. The right option is option D. Yours sincerely. Which of the following expression indicate good etiquettes? Okay. Got it. Okay. I received the report. सुधा थैंक यू फॉर सेंडिंग मी द रिपोर्ट गॉट द रिपोर्ट थैंक्स तो सबसे अच्छा ओके कौन साउंड करता है ना इफ यू सी ऑल आर कर्टियस, ऑल शो गुड एटिकेट अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया है बट बेस्ट ये है सुधा थैंक यू फॉर सेंडिंग मी द रिपोर्ट बिकॉज आप यहाँ पर जेन्युनली वो पर्सन का नाम लेकर उसको एड्रेस कर रहे हो दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द मोस्ट कर्टियस मोस्ट पोलाइट

अभी मेमोरेंडम में जो पार्ट्स होते हैं जो भी टॉपिक्स कवर होते हैं उसको हमें सही सीक्वेंस में सेट करना है सो so यहाँ पे इफ यू सी द ऑप्शन हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है नाउ इफ यू सी ओपनिंग सेगमेंट जो है ना वो सबसे पहले आना चाहिए एज पर सीक्वेंस। तो एज पर एलिमिनेशन मेथड ऑप्शन टू हमेशा पहले आएगा तो इन दैट सिचुएशन ए और सी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा क्योंकि अगर आप देखोगे सी और डी में जो ऑप्शन टू है वो पहले दिए गए हैं उसके बाद अगर आप देखोगे ऑप्शन फोर जो दिया है क्लोजिंग सेगमेंट वो लास्ट में आना चाहिए बिकॉज लास्ट क्लोजिंग सेगमेंट ऑलवेज कम्स एट दी एंड तो यहाँ पे ये जो फोर्थ पार्ट है ओके okay, वो लास्ट में आना चाहिए सो डी ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा so the right choice is option C that is 2 1 3 and 4 next references and appendix in a business report are placed at the end of the report appendix का मतलब होता है attachments तो अगर कोई आपने reference लिया है बाहर से business report में लिखने के लिए या तो कोई attachment attach किया है business report में तो वो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द रिपोर्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस लेटर आंसर इज ऑप्शन सी फ्रेंडली लेटर ओके फ्रेंडली लेटर इज नॉट अ बिजनेस लेटर इट इज इनफॉर्मल इन अ बिजनेस रिपोर्ट सजेशंस फॉर एक्शंस और चेंज आर नोन एज रिकमेंडेशंस तो अगर आप कोई सजेशन देते हो अगर आप कोई ओपिनियन देते हो ओके okay, तो उसको हम बोलते हैं रिकमेंडेशन इज द परपज ऑफ एग्जीक्यूटिव समरी इट डज नॉट सर्व एनी क्लियर इट अलाउज अ बिजी रीडर टू गेट द मेन दिन विदाउट रीडिंग द होल रिपोर्ट इट इज रिटर्न ओनली टू हाईलाइट द मेथडोलॉजी एंड द प्रोसीजर इट अ रीडर टू स्किप द मेन पॉइंट्स एंड गो टू द फैक्ट्स एंड द फिगर्स अभी समरी का मतलब क्या होता है अगर आप एक जिस्ट देते हो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हो तो उसको हम बोलते हैं समरी तो यहाँ पे क्या बोला है ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस इट अलाउज अ बिजी रीडर टू गेट टू द मेन पॉइंट्स विदाउट रीडिंग द होल रिपोर्ट तो जो बात आपको जाननी है ब्रीफ कंसाइज वे में पूरा रिपोर्ट अगर पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या पढ़ सकते हो समरी फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन डैश इज एन असेसमेंट कैरीड आउट टू डिसाइड इफ़ अ सजेस्टेड प्लान और अ मेथड इज पॉसिबल और रीजनेबल आंसर इज ऑप्शन बी फिजिबिलिटी स्टडी फिजिबिलिटी का मतलब होता है क्या ये प्लान इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है या नहीं आज अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नया बिजनेस चालू करना है तो बिजनेस चालू करने से पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये मेरा डिसीशन सही है या नहीं इज इट फीजिबल टू टेक द डिसन और नो क्या मैं ये बड़ा डिसीशन इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी या नहीं तो इसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी द स्टेटमेंट्स वी आर वेरी सॉरी टू लर्न अबाउट द इनकनवीनियंस द डीले हैज कॉज्ड यू इज यूज इन अ डैश लेटर यहाँ पे आप लिखते हो ऑप्शन सी कंप्लेन लेटर अगर मान लो मैंने अपने सेलर को या किसी को भी एक कंप्लेन लेटर लिखा है तो उसका जवाब जब मुझे आएगा तो वो क्या होगा कि वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सॉरी आपको ये जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा अगर मैंने कंप्लेन लेटर लिखा ही नहीं होता तो ये मुझे सॉरी का रिप्लाई भी नहीं आता दैट इज वाई आंसर सी इज द राइट चॉइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू नेगेटिव मैसेजेस शुड बी कन्वेड विथ अ considerate attitude अभी considerate attitude का मतलब होता है जब आप क्या शो करते हो एम्पथी शो करते हो वट यू मीन बाई द वर्ड एम्पथी जब आप अपने आप को सामने वाले के प्लेस पे रख के देखते हो एनी anyway, आप एक नेगेटिव मैसेज दे रहे हो ओके एंड नेगेटिव मैसेज अगर दे रहे हो तो हमें थोड़ा सा सोच समझ कर सामने वाले के हिसाब से सोच कर हमें वो नेगेटिव मैसेज देना चाहिए कि अगर ये नेगेटिव मैसेज देंगे तो सामने वाले को कैसा लगेगा उसको कैसा फील होगा इसीलिए बोला है कि वेन एवर यू आर सेंडिंग मेजर फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इफ यू सी दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इन बिजनेस लेटर वॉट इज अ फुल फॉर्म ऑफ इ एन सी एल आंसर इज ऑप्शन सी एनक्लोजर्स एनक्लोजर्स या तो इसको बोला गया है कॉपी सर्क्यूलेटेड अभी इसका मतलब समझो क्या है लेट्स ए फॉर एग्जाम्पल एक लेटर जो है वो मुझे तीन लोगों को भेजना है द कंटेंट ऑफ द लेटर इज द सेम लेट से फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन का क्या होने जा रहा है ट्रांसफर होने जा रहा है लेट से पर्सन इज गेटिंग शिफ्टेड फ्रॉम मुंबई टू पुणे उसका ट्रांसफर हो रहा है अभी यहाँ पर तीन लोगों को हम ये लेटर भेजेंगे सबसे पहले तो जो पर्सन जिसका ट्रांसफर हो रहा है सेकेंड मुंबई ऑफिस को बोलेंगे कि अभी वो मुंबई ऑफिस छोड़कर कहाँ पे जा रहा है पुणे जा रहा है एंड पुणे ऑफिस को इन्फॉर्म करेंगे कि मुंबई से एक एम्प्लॉई अभी ज्वाइन होने वाला है कहां पे इन द पुणे ऑफिस तो यहां पर जब आप तीन अलग अलग लोगों को सेम कंटेंट ऑफ लेटर भेज रहे हो सेम कंटेंट मतलब कौन सा कंटेंट है रिलेटेड टू ट्रांसफर तो इसको हम क्या बोलते हैं कॉपी सर्क्यूलेटेड या तो फिर एनक्लोजर्स कि आप एक ही कंटेंट का लेटर जो है अलग अलग लोगों को सर्क्यूलेट करते हो सो दैट इज एनक्लोजर्स और कॉपी सर्क्यूलेटेड वट इज मोस्ट अटेंशियल क्वालिटी ऑफ अ बिजनेस रिपोर्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्लैरिटी जितना क्लियर होगा वो सही होगा तो रीडर को समझ में आएगा कि आपने लिखा क्या है अ बिजनेस रिपोर्ट इज मेंट फॉर ओनली द रीडर जर्नलिस्ट स्पेसिफिक ऑडियंस ओनली टीम लीडर आंसर इज स्पेसिफिक ऑडियंस जो भी टॉपिक का बिजनेस रिपोर्ट है ओके काफ़ी बिजनेस रिपोर्ट का लिस्ट दिया हुआ है आपके सिलेबस में रिसर्च रिपोर्ट होता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है गवर्नेंस रिपोर्ट होता है एक्सेट्रा तो वो आप किस टॉपिक पर वो रिपोर्ट लिखते हो तो वो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होता है स्पेसिफिक रीडर के लिए होता है चूज द अप्रोप्रियट सैल्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस लेटर आंसर इज ऑप्शन सी डियर अभी यहाँ पे इट मतलब वो जो भी पर्सन को आप लिख रहे हो हुए इज द रिसीवर अभी ज्यादा हम रिस्पेक्टेड वर्ड यूज नहीं करते फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो डियर सर डियर मैडम डियर मिसर मिस ए हुए इज अ रिसीवर आप उसका नाम या तो सर या मैडम लिख सकते हो

जनरल डॉक्यूमेंट्री डिसिप्लिनरी कॉन्ग्रेजुलेटरी सो यहाँ पे ऑप्शन इज ऑप्शन डी कॉन्ग्रेजुलेटरी तो अगर किसी ने कुछ अच्छा अचीव किया है कुछ अकम्पलिश किया है तो ऑब्वियसली आप उनको कॉन्ग्रेजुलेटरी मैसेज भेजोगे विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज एक्सप्रेस अ पॉजिटिव एटीट्यूड सेंड मी ऑर कैटेलॉग एट द अर्एस्ट काइंडली रिस्पोंड टू अवर रिक्वेस्ट we will not continue our business relations with you we don't like your unprofessional approach yahan pe positive response kya hoga send me your catalog at the earliest catalog matlab मतलब jaise prospectors hota hai maan lo aapko kuch buy karna hai to jab aap catalog mangte ho from the seller तो seller को लगता है कि हाँ, इस person को interest है कुछ buy करने के लिए, so that is send me your catalog at the earliest Which of the following is not a part of the memo complementary segment heading segment opening segment discussion segment answer is option a complementary segment memos may hum kabhi bhi complementary close nahi likhte hai there are no salutations there are no complementary close in a memorandum what should a business report convey strengths weaknesses factual details challenges. आंसर इज फैक्चुअल डिटेल्स जो है वो है आपको बिजनेस रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन परपज ऑफ राइटिंग अजनेस लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट टू इन्फॉर्म टू चैट कैजुअली टू सीक एडवाइस आंसर इज टू इंफॉर्म कुछ भी अगर आपको बताना है तो आप ऑब्वियसली बिजनेस लेटर के जरिए इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेजेस इज अ पॉजिटिव मैसेज वी कैन नॉट टेक योर ऑर्डर नाउ वी डू नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू अवर बिजनेस रिलेशन विद यू वी सिंसियरली अप्रीशिएट योर इंटरेस्ट इन अवर ट्रेनिंग प्रोग्राम वी कैंसिल योर ट्रिप विथ इमीडिएट इफेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी

हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द सेंडर यहाँ पे ऑप्शन ए कॉज सिवियर डैमेज इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो अगर कोई भी नेगेटिव मैसेज को बिना सोचे समझे बिना एम्पथी के अगर आपने सेंड किया तो डेफिनेटली वो एक रिलेशन uh, को डैमेज कर सकता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है

ऑल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर नॉट सुबल इन अ फॉर्मल इमेल एक्सेप्ट नहीं यूज करने चाहिए में जितना हो सके बट वार्म अप सेंटेंस जैसे ग्रीटिंग यूज किया जाता है इफ इंटरनेट इज यूज बिजनेस बाई वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड कोलेबरेटिंग रिजल्ट आर इन वैल्यूएबल मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आपने सही से इंटरनेट यूज किया कम्युनिकेट करने के लिए एज वेल एज कोलेबरेट करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स असाइन द आई पी एड्रेस टू ईच डि कनेक्टेड टू अर नेटवर्क वॉट डज आई पी स्टैंड फॉर आंसर इज ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल। इन एन स्टैंड फॉर आंसर ऑप्शन डी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मीटिंग एट इलेवन एम इन द कॉन्फ्रेंस हॉल टूडे इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्क्यूलर तो जब आप बोलते हो कि आप 11 बजे एक मीटिंग सेट करने वाले हो तो वो इंफॉर्मेशन सबके लिए होता है तो जब ही इंफॉर्मेशन सबके लिए होता है फॉर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल उसको क्या बोला जाता है सर्कुलर द मोड ऑफ सेंडिंग द सर्कुलर इज थ्रू ई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ फॉर्मल अ नाइस डैश प्रोवाइड्स अ फ्रेंडली ओपनिंग इन द सेम वे एज सेलो ऑन द टेलीफोन आंसर इज ऑप्शन सी अ नाइस ग्रीटिंग तो अगर अच्छी शुरुआत करोगे अच्छा सैल्यूटेशन होगा तो एक अच्छा ओपनिंग मिलेगा टू द ईमेल एन इंटरनेट अनलाइक एन इंटरनेट कैनॉट बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड बेस्ट प्रैक्टिस वर्किंग कोलाबरेवली ऑन ऑफिस डॉक्यूमेंट्स इट इज नॉट यूजफुल टू सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन सो यहाँ पे ऑप्शन सी इट इज नॉट यूजफुल टू सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़, बिकॉज इंटरानेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है एंड अगर आपको प्रोडक्ट्स या सर्विस बेचने हैं तो आपको एक्सटर्नली बात करनी पड़ेगी लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद द आउटसाइडर्स वट इज द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट It is cost-effective and encourages workers to become more productive. It gives employers an opportunity to extract more manual labor from the workers. It helps the company to post all kinds of financial data like budget and revenue. It results in employees engaging in time waste activities such as group chat. Answer is option.

डर आर यूज टू डुप्लीकेट मैसेजेस इजिली स्कैन द एंटायर ई मेल अंडर स्कोर इन सिग्निफिकेंट डिटेल एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आंसर इज ऑप्शन डी जूम इन ऑन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जैसे सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट में हम हाईलाइट करते हैं कि क्या टॉपिक पर आपने ई मेल लिखा है वैसे ही होता है ऑन द इंटरनेट जंक मेल इज कॉल्ड स्पैम Choose the most polite expression that is used in e-correspondence. Anand, I never imagined you could be so dumb. Anand, see you in my cabin right now. Thanks for your quick response, Mr. Anand. Anand, have you lost your brains? Answer is option C. Thanks for your quick response, Mr. Anand. this is a cha polite expression hai. When messages are sent by

एंड किस मुद्दे पर आप ईमेल लिख रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफ़ ईमेल एक्सेप्ट। ईमेल्स कैन बी सेंड टू वन पर्सन और सेवरल पर्सन। वायरसेस आर इजिली स्प्रेड ई मेल अटैचमेंट्स। ई मेल स्पैम ऑल्सो रेफर टू एज जंक ई मेल और सिंपली स्पैम इज पॉसिबल द रेसिपियंट नीड्स एक्सेस टू इंटरनेट टू रिसीवेल So, यहाँ पर ईमेल्स कैन बी सेंड टू वन और सेवरल पीपल तो ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज नहीं है वोकैबलरी इन एन ईमेल मस्ट बी सिंपल विच ऑफ दीज कैन बी डन थ्रू इंटरनेट प्रोजेक्ट प्रपोजल्स कैन बी रिजेक्टेड टेक्निकल रिपोर्ट्स कैन बी आईडेंटिफाइड कंपनीज न्यूज कैन बी शेयर्ड एम्प्लॉयर्स लोकेशन कैन बी

Which of the following is a benefit of having intranet? It is very expensive and not affordable. It encourages employees to gossip. It is user-specific and can be personalized. It monitors employees' browsing habits. pe the answer is option D. It monitors employees' browsing habits. In an email, the message should be. फोकस्ड जो है वो है उस पर फोकस कीजिए रादर देन इधर उधर की बातें करने से बेटर है मुद्दे की बात कीजिए इन द ईमेल कीप इट शॉर्ट एंड ब्रीफ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ईमेल इट अलाउज एडिटिंग वी कैन नॉट अटैच वीडियो क्लिप्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंड ऑडियो फाइल्स इट इज़ ईजी टू क्रिएट एनिमेशन आंसर इज ऑप्शन ए इट अलाउज एडिटिंग शुड अवॉय द फीचर ऑफ डैश इन अ फॉर्मल ईमेल सैल्यूटेशन सब्जेक्ट लाइन रेफरेंस रिप्लाई टू ऑल अभी रिप्लाई टू ऑल तब यूज होता है जब आपको सारे आपके सेंडर को रिप्लाई करना है वन टू वन बेसिस पर अगर आपको रिप्लाई करना है तो आप रिप्लाई का ऑप्शन चूज करोगे रादर देन सेलेक्टिंग रिप्लाई ऑल चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंटरनेट it is high on maintenance it delays projects it is not conducive it is cost effective so yahape sahi statement with respect to intranet is it is cost effective it is essential to dash in the main body of an email use the same font underline every sentence apply animation Highlight the text in various colors. Answer is to use the same font consistently. Okay, so bar bar, abna font style change mat karo. It becomes very difficult for the reader. Keep it same. Keep it consistent. What style of language should be used in a formal email? Answer is polite and courteous. Which of the following is true? We cannot mark a copy of email. Email is a common form of formal communication. There is no need to use punctuation in an email. Sending email is difficult. Option B. It is a most commonly used form of formal communication. In an email, information must be according to the importance. So, information must be prioritized according to the इम्पोर्टेंसो जो इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होगा आप उसको पहले रखते हो तो आप अलग अलग इमेल को अलग अलग में अलग अलग कैटेगरी कर सकते हो एज पर द प्राटी तो इसको बोलते हैं दैट आपने एज पर द इम्पोर्टेंस उसको बाईफरकेट फिल्टर या अलग अलग फोल्डर में कैटेगराइज किया है इंट्रानेट इज इंक्रीजिंगली यूज बाई दर्गेनाइजेशन फॉर Maintaining corporate protocol, social networking, encouraging grape wine, project management. Answer is maintaining corporate protocol. Intranets are increasingly being used as a platform for corporate culture change, employees exchange program, customer interaction program, wholesale marketing techniques. Answer is corporate culture program. जब आप कंपोज मेल पर क्लिक करते हो सो दैट विंडो विच अप एक प्रॉपर स्क्वायर विंडो होता है जिसका क्लियर एजेस होते हैं सब्जेक्ट लाइन इन ईमेल इज प्रेफरेबली रिटर्न इन वन सेंटेंस वन ऑफ द डिस इज दैट इट लैक्स पर्सनल टच ओके तो यहां पर ज्यादा फेस टू फेस कम्युनिकेशन ईमेल में नहीं होता है इसीलिए इसको कौन सा कम्युनिकेशन बोलते हैं इम्पर्सनल कम्युनिकेशन इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी There was a revolutionary change in modes of communication with the advent of internet. Internet ki aane se kafi kuch badla hua hai. Which of the following in an email conveys what the email is about? Answer is option C. Subject line. Short paragraph should be used in an email because business information should never be simple.

Hyper textual. All the following are features of an email except signature, attachments. It is hard copy. It is printable. So, Yahapur, this is not the feature. Email is always in which form? Electronic form. An internet टवर्क फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन कोलेबरेशन टूल्स ऑपरेशनल सिस्टम ओनली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद नेशनल एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन विथ मल्टी नेशनल इज एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो बाहर के साथ भी हम उसको यूज कर सकते हैं On the internet, junk mail is called spam. Which of the following sentences is more appropriate in a formal email? Mohan, will you send the memo? Yeah. Hey, the memo will be sent by Mohan. Mr. Mohan, the chairman, will send the memo. Guys, the memo could be sent by Chairman Mohan. Answer is option C. Mr. Mohan,

Is C, so, अगर कोई अपना करता है, तो उसको जो पेमेंट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं न्यू वाई फाई हॉटस्पॉट इंस्टॉलिंग फायर वॉल्स अपडेटिंग अ पासवर्ड क्लिकिंग एंड अटैचमेंट अभी यहाँ पर फिशिंग का मतलब होता है ऑनलाइन फ्रॉड जो होता है तो वो हो सकता है एक्सेप्ट क्या नहीं करने से फिशिंग नहीं होगा आंसर इज ऑप्शन बी बाय इंस्टॉलिंग फायर वॉल्स तो वी कैन अवॉइड द फिशिंग और ऑनलाइन फ्रॉड फ्रॉम हैपनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हु क्रेडिटर रेफर्स टू अ पर्सन और बाइज एंड सेल्स गुड्स फॉर अदर्स पर्सन और टू होम मनी इज ओड A person or a company who controls an organization or group of staff a person or a company who sells goods to the public in small quantities answer is option B a person or a company to whom money is owed Jisko paisa dena baaki hota hai. usko hum kya bolte hai? creditor which of the following best describes the word agent a person who buys goods from a shop or business for his personal use a skilled worker who specializes in a particular occupation a firm or a company that carries out work for a company that is part of a larger project a person who has been legally empowered to act on behalf of another or entity answer is option d a person who has been legally empowered to act on behalf of another person or entity to agar may principal hu aap agent ho अगर मैंने आपको हायर किया है मेरे बदले कुछ काम करने के लिए सो इन दिस केस यू बिकम द एजेंट आई बिकम द प्रिंसिपल टू डैश मींस टू विदड्रॉ फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और कमिटमेंट दैट इज टू बेल आउट आपने कुछ कमिटमेंट बोला था यू विल फुलफिल बट यू आर नॉट एबल टू फुलफिल तो इसका मतलब आपने बैकआउट कर लिया है आपने बेल आउट कर लिया है GST stands for Goods and Service Tax. Dash is a fund used by a business for small items of expenditure and restored to a fixed amount periodically. Answer is Imprest. Imprest fund मतलब जो छोटे मोटे खर्चों के लिए जो fund आप side में रखते हो जैसे petty cash होता है वैसे ही होता है Imprest fund. डैश इज अ मेजर ऑफ हाउ मच यू ओ योर क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड टू यू आंसर इज ऑप्शन बी अकाउंट्स पेएबल तो ये आपका लाइबिलिटी है इतना आपको पेमेंट करना बाकी है सो दैट इज अकाउंट्स पेएबल डैश इज अ फी मेड बाय अ बैंक टू दे कस्टमर्स दैट इज ऑप्शन सी बैंक चार्ज Dash is a level of human and property loss that can be tolerated by an individual, household, group, organization, community, region, state or nation. Answer is acceptable risk. Aapka kitna risk bearing capacity hai, kitna aap taklif sehn kar sakte ho, that is acceptable risk. Downsizing means? a permanent reduction of a company's labor force through elimination of unproductive workers temporary reduction of a company's labor force through elimination of all workers or divisions permanent reduction of a company's labor force through elimination of all workers or division temporary reduction of a company's labor force through elimination of unproductive workers or

तो थोड़े समय के लिए जब आप लेबर फोर्स को एलिमिनेट कर देते हो रिड्यूस कर देते हो उसे हम कहते हैं डाउन साइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेशन ऑफ मार्केट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू रिसीव डिपोजिट एंड मेक लोन्स अ प्लेस दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर डिपार्टमेंट्स विद इन अ बिजनेस A place where two parties can gather to facilitate the exchange of goods and services, a place or building equipped for scientific experiments. Answer is option C. Ek jaga jahape goods and services ko op An item of property owned by a person or a company regarded as having value is an asset. रिटर्न ऑर्डर टू अ पर्सन रिक्वरिंग दम टू मेक अ स्पेसिफाइड पेमेंट टू द सिग्नेटरी और टू अ नेम्ड पे ई इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो जिस किसी का भी नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर होगा उसको वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट दे दिया जाएगा अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच अ सिंगल वेंडर सेल्स अ यूनिक प्रोडक्ट इन द मार्केट इज डिफाइंड एज मोनोपली

अ एन इज़ अ गारंटी गिवन टू द परचेजर ऑफ़ एन आर्टिकल प्रोमिसिंग टू रिपेयर और रिप्लेस इट इफ़ रिक्वायर्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम आंसर इज वारंटी तो अगर आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो एंड अगर वो वारंटी पीरियड में खराब हो जाता है तो आपके पास चॉइस होता है या तो उसको रिपेयर करने का या तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट

Questions that we have discussed. All the very best for your exams. Do well. Thank you very much.